नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। चलिए आज दिखाते हैं आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। थारू बौद्धिक विचार मंच हरना टांड की तृतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन राजकीयकृत राज्य संपोषित उच्च विद्यालय हरना टांड के प्रांगण में किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय थारू कल्याण महासंघ के अध्यक्ष दीप नारायण प्रसाद के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर तथा महासंघ का झंडा तोलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थारू बौद्धिक विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर शारदा प्रसाद ने कहा कि थारू कला संस्कृति एवं शिक्षा के उत्थान के लिए थरूहट के कलाकारों व बच्चियों को बौद्धिक विचार मंच की ओर से प्रतिवर्ष प्रोत्साहित किया जाता है। थरूहट क्षेत्र में जो बच्चे गरीब हैं तथा पढ़ाई में अव्वल हैं, उन्हें सहयोग राशि देकर आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इस सम्मेलन में थरूहट क्षेत्र के ऐसे छात्र जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण तथा IIT में उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर थारू बौद्धिक विचार मंच के सचिव मन बहाली प्रसाद, थारू कल्याण महासंघ के हेमराज पटवारी, महेश्वर काजी, जगदीश सौकीत, शिवमोहन खतईत, सुरेश प्रसाद समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मंच का संचालन दीर्घ नारायण खतईत तथा शंभू प्रसाद के द्वारा किया गया। बगहा पश्चिम चंपारण से रविश मिश्रा की रिपोर्ट।